नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, यहाँ इस चैनल पर जीके पढ़ाई जाती है जनरल अवेयरनेस, जहाँ जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स एवं मिसलेनियस क्वेश्चंस को डेली कराया जाता है और लाइव क्लास चलती है। लगभग 5 घंटे की क्लास यहाँ पर डेली होती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में RRBNTPC एडमिट कार्ड 2019 के बारे में। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन में क्या कहा है। सबसे पहले खुशखबरी कि NTPC पहले होगा या ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले होगा, रेलवे NTPC को पहले कराएगी या ग्रुप डी को पहले कराएगी, तो ये भी अटकलें आज समाप्त हो जाएंगी। पेपर कब होगा, ये भी अटकलें आज समाप्त हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, उसको पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले सच में क्या हो रहा है। YouTube पर तमाम लोग बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन जो मैंने एक बार लिख दिया, समझ लीजिए 100% श्योर होने के बाद ही मैं ऐसा लिखता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। RRBNTPC एडमिट कार्ड 2019 से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है, जो हमारा एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड जारी कब होंगे, कितने दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, वो सारी अटकलें आज इस वीडियो में समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए, RRBNTPC भर्ती परीक्षा को लेकर आई बड़ी सूचना, जाने रेलवे ने क्या कहा। तो रेलवे ने क्या कहा है, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नॉल टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC भर्ती परीक्षा का अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसके पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 1 जून से सितंबर के बीच में आयोजित होने की संभावना जताई रही थी, लेकिन रेलवे ने इसे स्थगित कर दिया है, आपको ऐसा पता है। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल बोर्ड जूनियर इंजीनियर, RRB JEE समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं आयोजित करने में काफ़ी व्यस्त है। इस संबंध में बोर्ड ने हाल में एक सूचना भी जारी की, इसमें कहा गया है कि अभी तक परीक्षा की तारीखों की घोषणा को लेकर कुछ तय नहीं किया गया है। यानी कि जो यूट्यूब पर तमाम लोग फर्जीवाड़े से बता रहे थे, ये होगा, इस दिन एग्जाम शुरू हो जाएंगे आपके, सितंबर में ही एडमिट कार्ड आ जाएंगे, नवम्बर में पेपर हो जाएगा, वो सारी की सारी अटकलें फेल हो चुकी हैं उनकी। और जैसे ही ये तारीख तय हो जाएगी, इसकी जानकारी रेलवे भर्ती बोर्ड RRB द्वारा सभी संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड कर दी जाएगी। परीक्षा के लिए नई एजेंसी की तलाश, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड इस परीक्षा के आयोजन के लिए नई एजेंसी की तलाश में है, इसलिए नज़दीकी भविष्य में NTPC भर्ती को लेकर, एडमिट कार्ड या परीक्षा तिथि को लेकर किसी घोषणा की उम्मीद कम है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बोर्ड ने एक समिति बनाई है जो भर्ती परीक्षा का आयोजित करने वाली संस्थाओं की पहचान एवं चयन पर काम करेगी। इसमें 1 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है, यानी कि अब से ये न्यूज 4 से 5 दिन पहले की है, मैं आज दिखा रहा हूँ आपको, तो अब से लगभग 1 महीने का समय और लग सकता है, ये तो बात पक्की है। यानी कि अब क्या चल रहा है, नवम्बर, यानी कि नवम्बर का महीना तो ये समझ लिए गया, इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, इसमें 1 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है, यानी कि नवंबर का टाइम तो आपका गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पदों पर भर्ती आपको पता थी, 35,277 पदों पर 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 10,668 पद थे, जबकि स्नातक के लिए 24,649 पद खाली थे। तो आपने इसमें देखा क्या कि 1 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है, यानी कि एजेंसी को लाने में, उनको पहचान करने में, चयन करने में 1 महीने, यानी कि नवंबर का महीना गया और लगभग दिसंबर ये पूरा निकल जाएगा, और दिसंबर के लास्ट वीक तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हो सकता है हमारे NTPC के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएं। कौन सी परीक्षा पहले होगी, तो जितना भी बताया जा रहा है, मैंने भी गूगल से ही पढ़ा था कि NTPC का एग्ज़ाम पहले होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम बाद में होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ग्रुप डी पहले होगा, NTPC बाद में होगा। लेकिन जहाँ तक फॉर्म की बात की जाए, तो फॉर्म सबसे पहले NTPC का अप्लाई किए थे, तो NTPC के ही एग्ज़ाम होने की 99% श्योरिटी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जनवरी फरवरी में आपके पेपर हो सकते हैं,
और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज प्राप्त हो, इस बात के बारे में पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।